एनकोडिंग करते थे, लाइक पैटर्न्स हो गया, फॉर लूप्स, इफ एल्स हो गया, कैसे चलता है एक फॉर लूप, फंक्शंस वगैरह। फिफ्थ सेम के एंड तक तो आई थिंक मैं 3 स्टार बना था। फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर था, 6th सेमेस्टर, उसमें 4 स्टार तक पहुंच गए थे। ICPC उस टाइम निकाल लिया था सेवन सेमेस्टर के एंड में, एंड उसी टाइम तक प्रिपेयर करते करते 5 स्टार बन गए थे। एंड फिर 8th सेमेस्टर में ही बेसिकली कोड शेफ वगैरह स्पोर्ट्स पे प्रैक्टिस करते थे काफ़ी। फिर 6 स्टार भी 8th सेमेस्टर में जाके 6 स्टार बन गए थे। मुझे बहुत ही सही चीज बताई उसने कि उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में सी में बैक लगी थी। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि सी में बैक लग रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, और वहां से लेके हम पहुंच गए हैं कि हमने कोड शेफ के अंदर 6 स्टार रेटिंग पहुंच गए, ICPC निकाल दिया। हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। एंड यार, आज की वीडियो में हमें जिस तरह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, राइट, लाइक आई एम ट्राइंग टू गेट सम अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को सबको इससे मोटिवेशन मिलेगी, एंड यू विल गेट टू सी कि कितना एफर्ट मार के, कितना सही सही काम करके, क्या सही से जुगाड़ करके, राइट, लाइक पीपल आर एबल टू रीच व्हाट दे रियली वांट टू रीच, राइट, लाइक सो आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट। सो वी हैव राहुल विद अस, राहुल आठर। हाय राहुल, वेलकम टू कोडिंग निंजास। हाय अंकुश भैया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। परफेक्ट। सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो जानता हूँ सबको कि यार राहुल मेरा कोलीग है कोडिंग निंजास में, राइट, सो ही जॉइंड कोडिंग निंजास रिसेंटली, एंड कोड स्टूडियो पे जो भी तुम अमेजिंग अमेजिंग प्रॉब्लम्स देखते हो, प्रैक्टिस करते हो, वो काफ़ी सारा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन राहुल का है उसके अंदर। सो ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दैट, सो दैट इज समथिंग दैट ही इज डूइंग। आई थिंक वन थिंग दैट आई वांट टू फोकस दिस वीडियो अबाउट इज नॉट कि राहुल को कोडिंग निंजास में कैसे जॉब मिली। आई वांट टू टॉक अबाउट बीइंग फ्रॉम अ Tier 3 कॉलेज जहाँ पर कोई कल्चर नहीं है प्रोग्रामिंग का, कैसे राहुल ने ICPC निकाला, कैसे राहुल ने कोड शेफ के अंदर 6 स्टार रेटिंग तक पहुंचा, राइट, व्हाट ऑल स्ट्रगल सॉर्ट ऑफ ही वेंट थ्रू, वुड लव टू सॉर्ट ऑफ टॉक अबाउट दैट, राइट। तो चलो जानते हैं, सो क्या किया राहुल ने कि वो नहीं आती प्रोग्रामिंग, एंड मुझे बहुत ही सही चीज़ बताई उसने कि उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में सी में बैक लगी थी। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट, कि सी में बैक लग रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, और वहां से लेके हम पहुंच गए हैं कि हमने कोड शेफ के अंदर 6 स्टार रेटिंग पहुंच गए, ICPC निकाल दिया है। मतलब एकदम ही अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। सो राहुल, पहले तो ये बताओ कि हम कौन से कॉलेज से हैं, एंड बेसिकली कॉलेज जाने से पहले हमारा क्या स्टेटस था इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, हमने पहले से की हुई थी, कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कैसा था उससे पहले? ठीक है, तो कॉलेज में बेसिकली मैं UIT कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से हूँ, एंड कॉलेज आने से पहले तो कुछ भी प्रोग्रामिंग रिलेटेड कुछ भी बैकग्राउंड नहीं था, एंड कंप्यूटर साइंस बस इसीलिए लिया था कि अच्छी जॉब्स लगती हैं, तो सुना था लाइक अच्छी जॉब लग जाएंगी, तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस परस्यू कर लिया था। तुम्हारे पास भी फिजिकल एजुकेशन थी क्या? नहीं, म्यूजिक था, म्यूजिक लिया। गाने में बहुत ही बेकार था सब। अच्छा सही है, बहुत ही बढ़िया। ओके, ठीक है, सो बेसिकली उससे पहले कुछ नहीं आता था, तो हम कॉलेज पहुंच गए क्योंकि हमें लगा कि कंप्यूटर साइंस में जॉब अच्छी लगेगी। फिर क्या रहा, कैसा रहा फर्स्ट ईयर का, बताओ थोड़ा ब्रीफली कि जाते ही हमने कुछ शुरू कर दिया, बहुत अच्छा कुछ करना, अच्छा तो क्या किया, फेल हो गए थे, मुझे तो बताया ही था, तो कैसा रहा फर्स्ट ईयर, कैसा रहा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्या 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 थॉट प्रोसेस रहा हमारा फर्स्ट ईयर में? ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जाते ही लाइक कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं सबके, लाइक वो फिजिक्स मैथ रहता ही है, एंड एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आ जाती है, सी लैंग्वेज, राइट। तो उस टाइम बेसिकली फिजिक्स मैथ में तो इंटरेस्ट था ही, बट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड कॉलेज में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वही मैंने जैसे बताया भी बैक भी लग गई थी, तो फर्स्ट सेम ऐसे ही निकल गया एंड चला गया, बट फिर धीरे धीरे वो बैकलॉग भी निकालनी थी, तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ के, बुक से पढ़ के वो सब क्लियर कर लिया था। एंड सेकंड ईयर में भी फिर थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ मतलब सही चीज़ है काफ़ी, मतलब हम कुछ लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है, बस बेसिकली कोड से हम कितना कुछ कर सकते हैं, तो उस सेंस में इंटरेस्ट एक जो है होता है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वो डेवलप हो चुका था फर्स्ट ईयर के एंड में आते आते। अच्छा, तो सही है, तो बेसिकली हमने
फर्स्ट सेमेस्टर में चलो ठीक है, वी वर गेटिंग यूज टू द कॉलेज, प्रोग्रामिंग नहीं आती थी पहले से, तो चलो ठीक है हमारा अच्छे से नहीं हुआ, कुछ नहीं होता। बट सेकेंड सेमेस्टर में खुद से हमने फाइट मारनी शुरू करी, यूट्यूब पे देखना शुरू किया। और किस टाइप के कोड करते थे हम, सी में करते थे? हाँ, तो कोडिंग वाइज ये था कि सी लैंग्वेज सीख रहे थे एंड कोडिंग करते थे, लाइक पैटर्न्स हो गया, फॉर लूप्स, इफ एल्स हो गया, कैसे चलता है एक फॉर लूप, फंक्शंस वगैरह। तो बेसिकली एक मतलब पैटर्न्स के इतना डेप्थ में चला गया था, मैंने 150 के करीब सिर्फ पैटर्न के क्वेश्चन कर लिए थे। एंड मतलब लॉजिक बिल्डिंग में इंटरेस्ट आ रहा था तो उसी में करते रहे। सो एक चीज मैं सबको बोलता हूँ ना कि जो तुमने बहुत सही तरीके से किया है कि शुरू में एक्स्ट्रा टाइम लगाने में ना कोई फाइट नहीं होती। मतलब अगर तुम पैटर्न्स तक भी बहुत अच्छे से लगाते रहोगे ना फाइट, तो एटलीस्ट तुम्हारा बेसिक जो कॉन्फिडेंस है कि मेरे को प्रोग्रामिंग आती है वो डेवलप हो जाता है और उसके बहुत फायदा होता है। सही है, चलो तो ठीक है। तो इसके बाद बेसिकली हमारा ये तो बहुत सही हो गया कि हमें पैटर्न्स हमारा स्ट्रांग हो गया और फर्स्ट ईयर के एंड पे अब हमारी बैक बैक तो हमने निकाल ही ली होगी, वो तो तुमने फोड़ ही दिया होगा, वो तो सही है। फिर सेकंड ईयर कैसा रहा, क्या अब सेकंड ईयर में हमने क्या किया? ठीक है, सेकंड ईयर में बेसिकली कॉलेज में डाटा स्ट्रक्चर्स का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया था एंड वो जैसे उसमें कुछ कुछ एल्गोरिथम्स एंड डीएस की इम्प्लीमेंटेशंस रहती है, बट अगेन उसमें लाइक सब्जेक्टिव नॉलेज था, वो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था बट उनका कुछ एप्लीकेशन नहीं पता था, लाइक इनको रियलिटी में अगर यूज़ करेंगे कंप्यूटर साइंस में तो कहाँ करेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वो कुछ पता नहीं लगा था। ऐसे ही पूरा सेमेस्टर वो बस सिर्फ सब्जेक्टिव नॉलेज में एंड कॉलेज के स्टफ्स में निकाल दिया था बेसिकली गोल, मतलब बट मार्क्स अच्छे ले लिए थे डाटा स्ट्रक्चर में। बेसिकली वही था कि लाइक इसमें तो टॉप करना है, ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का है तो इसमें मेरे को टॉप करना था, तो बस उसी में निकाल दिया था डाटा स्ट्रक्चर्स की सब्जेक्टिव नॉलेज में थर्ड सेमेस्टर। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल था सिर्फ, कुछ प्रैक्टिकल? हाँ, सिर्फ थ्योरेटिकल था। ठीक है, तो फिर फोर्थ सेमेस्टर में क्या किया? फोर्थ सेमेस्टर में लाइक कॉलेज में डेवलपमेंट कल्चर इंट्रोड्यूस हो चुका था, सीनियर्स ने डीएससी क्लब आया था तो उसमें बेसिकली एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस करवाई थी हमने, बेसिक सी जो ऐप बिल्डिंग रहती है एंड्रॉयड्स, तो वो बिल्ड करा था एक दोस्त के साथ मिलके, एक छोटी सी ऐप भी बना ली थी। एंड एक इंटरेस्ट ये भी था, एक लाइक कॉलेज के लिए एक ऐसी ऐप बनाई थी लाइक एंटी रैगिंग टाइप, एंड उसको पब्लिश भी करवा लिया था हमने प्ले स्टोर पे, तो उस सेंस में लाइक थोड़ा चले गए थे। फिर ऐसे ही फोर्थ सेमेस्टर उसमें निकल गया, एंड्रॉयड थोड़ा बहुत करा था। सही है। ठीक है, फिर बेसिकली ये फोर्थ सेमेस्टर हमारा खत्म हो गया। और लाइक व्हेन डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, कब से कब गए थे कॉलेज? 2016 to 2020। ठीक है, तो हम 2018 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि कोविड आ चुका था कि नहीं आया था, अभी नहीं आया था कोविड। ठीक है, नहीं, अभी नहीं आया। सेकंड ईयर खत्म हो गया और फिर उसके बाद बेसिकली अब हमने समर्स को अच्छे से यूज नहीं किया क्या हमने, सेकंड ईयर की समर को या उसके बाद की समर्स को, क्या क्या किया हमने? सेकंड ईयर की बाद के समर्स में बेसिकली जब सेकंड सेमेस्टर वो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे तब बेसिकली लग रहा था कि लाइक एंड्रॉयड में आगे जा तो रहे हैं बट जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। तो तब धीरे धीरे थोड़ी अवेयरनेस भी आ चुकी थी उस टाइम तक यूट्यूब वगैरह से कि डीएसए सही चीज़ है, फंडामेंटल सही है एंड इसका यूज़ भी है प्लेसमेंट्स में काफ़ी। तो सेकेंड सेमेस्टर वो फोर्थ सेमेस्टर के बाद वाली जो समर्स हैं उनका यूज़ करा था एंड वो डीएसए का कोर्स से लेकर ही करा था बेसिकली, फ्रेंड्स वगैरह के थ्रू पता लग गया था कि कोडिंग निंजास काफ़ी सही है तो वो आँख मीच के ले लिया था कोर्स, ऑनलाइन कोर्स करा था जावा डाटा स्ट्रक्चर्स, तो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रहा, काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस पता लगी उसके थ्रू लाइक एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सब, तो वहाँ से और बढ़िया हो गया था। सही है। सो हमने वो किया सेकेंड ईयर की समर्स में, राइट। सो आई थिंक राहुल ने काफ़ी सारे कोर्सेज किए कोडिंग निंजास में, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो राहुल ने आई थिंक डीएसए भी किया है, सीपी भी किया है, मशीन लर्निंग भी किया है ना, बहुत कुछ सीखा आई थिंक राहुल ने सीएन से। सो ठीक है, चलो अब बेसिकली मुझे आगे बताओ कि हमने डीएस एल्गो कर लिया, सो सीम्स लाइक पहले 2 साल में तो हमारी जो एक्चुअल नॉलेज है वो लिमिटेड है पैटर्न्स और ऐसे वाले क्वेश्चन से, राइट। लाइक अब हमने उसके बाद सेकेंड ईयर की समर में हमने एकदम बढ़िया तरीके से डीएसए सीख लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब उसके बाद हमने फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में सीपी कब शुरू किया? सीपी बेसिकली
कोडिंग निंजास के थ्रू ही कम्युनिटी सही बिल्ड हो चुकी थी मेरी, तो उसके थ्रू पता लगा कि लोग कोड शेव करते हैं, ये भी कोई चीज़ है एंड काफ़ी हार्ड है, सुना है कंपटीशन काफ़ी सही है। तो वहाँ से देखा, एक्सप्लोर करा कि कैसे कर सकते हैं कोड शेव एंड, तो फिर उस टाइम पे कोड शेव स्टार्ट करा धीरे धीरे। एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था कि मतलब कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ। बट फिर सोचा कि CN का कोर्स ले लेते हैं, काफ़ी स्ट्रक्चर कंटेंट तो है ही। तो फिर मैंने CP का कोर्स लेके, एंड टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा था क्योंकि काफ़ी सारी और भी चीज़ें करनी थी डेवलपमेंट वाइज भी, तो मैंने कोर्स लेने का डिसीजन ले लिया एंड वो फिर 3-4 महीने लग के उस कोर्स को काफ़ी अच्छे से करा था, बहुत ही बढ़िया से। वहाँ से फिर CP में एक बेस बन गया था एंड फिर कोड शेफ पे धीरे धीरे चैलेंजेस देते रहे एंड रेटिंग्स इम्प्रूव होती रही थी, तो फिर सेम में सही हो गया था सेटअप। कहाँ पहुँच गए थे फिफ्थ सेम के एंड तक, क्या रेटिंग हुई थी? फिफ्थ सेम के एंड तक तो आई थिंक मैं 3 स्टार बना था एंड फिर जो नेक्स्ट सेमेस्टर था 6th सेमेस्टर, उसमें 4 स्टार तक पहुँच गए थे। बट फिर मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा, मतलब अभी थोड़ा सा वो मतलब काफ़ी करके थोड़ा सा वो हो रहा था कि कुछ डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स भी ऐड करने होते थे, तो फिर मैंने मशीन लर्निंग की साइड थोड़ा सा टाइम दिया था। ओके, फिर उसके बाद फाइनल लाइक अब 4 स्टार से ऊपर कैसे, कब गए हम फाइनल ईयर में किया, फिर उसका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। हाँ, फिर जैसे बीच में 3rd ईयर के बाद प्लेसमेंट्स आ रही थी, तो फिर DSA ही रिवाइज करना था एंड प्लेसमेंट भी चाहिए था, तो जो 7th सेमेस्टर की बिगेनिंग थी वो तो उसी में चली गई लाइक DSA प्रिपेयर करने में। बट फिर ICPC का जैसे 5th सेमेस्टर में मेरे को ICPC के बारे में ही पता लगा था, वो उस टाइम पे नहीं निकल पाया था, तब मैं काफ़ी बिगेनर ही था, तो तब उस टाइम पे डिसाइड करा था कि 7th सेमेस्टर में निकालना ही है, तो इसलिए मैंने 7th सेमेस्टर के स्टार्ट में ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, कोड से वापस से CP शुरू कर दी एंड फिर ICPC के लिए बढ़िया सी टीम भी बनाई कॉलेज में। तो ICPC उस टाइम निकाल लिया था दिसंबर में 7th सेमेस्टर के एंड में, एंड उसी टाइम तक प्रिपेयर करते करते 5 स्टार बन गए थे। सही है, तो बहुत ही बढ़िया। एंड फिर 8th सेमेस्टर में ही वो कंटिन्यू रहा, बेसिकली कोड शेफ वगैरह स्पोज पे प्रैक्टिस करते थे काफ़ी, तो फिर 6 स्टार भी 8th सेमेस्टर में जाके 6 स्टार बन गए थे। बहुत ही सही यार, बहुत ही सही फीलिंग होगी ना, मतलब लाइक आई थिंक 5 स्टार इटसेल्फ काफी पेनफुल होता है, काफी मुश्किल होता है बनना, 6 स्टार तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो लाइक काफी सही फीलिंग होगी जब 6 स्टार पे पहुंचे होगे तो। हाँ, उस टाइम पे लाइक एक तो ये था लाइक कॉलेज में कोई भी CP नहीं करता है, मैं अकेला CP कर रहा था एंड जब 4 स्टार बना था, एक वो अलग डिवीजन रहता है कोड शेफ पे, एक तो सबसे बढ़िया फीलिंग तभी आई थी। फिर था कि लाइक अभी पर्पल कोडर बन चुके हैं, अभी येलो कोडर बनना है, तो फिर 5 स्टार बन के भी काफ़ी अमेजिंग फीलिंग आई। बट फिर धीरे धीरे लगा कि कुछ फिल्टर होने के लिए लाइक 5 स्टार भी काफ़ी मतलब 1000 के करीब लोग हैं कोड शेफ पे, फिर लगा कि थोड़ा सा और यूनिक बनना है और मतलब यूनिक लिस्ट में जाना है, तो फिर ऑरेंज रेटिंग्स को ग्रैब करना है अभी, तो उस सेंस में फिर 6 स्टार बने, तब तो एकदम से बिल्कुल वो हो गया था लाइक कुछ सही में सही हो गया, अचीव सही हो गया आपको, मतलब थोड़ा एकदम है अब ये वाली फील आ गई थी। हाँ सही है, बहुत ही सही थोड़ा लगा। सो मैं बेसिकली ना बहुत सारी चीजें रिलेट कर पाता हूँ राहुल के साथ, बिकॉज पहली बात तो हम दोनों सेम सिटी से हैं, हम दोनों हरियाणा की एक छोटी सी सिटी है, मतलब बीच में जींद करके एक सिटी है, वहां से हम दोनों। सो एक चीज में क्या रिलेट कर पाता हूँ कि यार प्रोग्रामिंग नहीं आती, कॉलेज में गए और जाके एकदम लग गई, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना, आई हैड अ वेरी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस कि अरे यार ये पता नहीं मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल है। एंड सेकेंडली आई थिंक एक बड़ा मेजर इशू क्या रहता है कि बेसिक कम्युनिकेशन थोड़ी, जब हम बेसिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली मतलब आपस में बात करने में कॉन्फिडेंस, इंग्लिश एक बड़ा फैक्टर होता है राइट, लाइक उसमें आई कैन सी कि राहुल ने काफ़ी स्ट्रगल किया है लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज तक पहुँचते। सो आई थिंक वो एक बहुत कॉमन चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जो कि आई वुड से Tier 2, Tier 3 सिटी से निकल के कॉलेज में जाते हैं, तो उनके लिए जनरली कम्युनिकेशन एक बड़ा हर्डल रहता है, स्पेशली जॉब्स के परस्पेक्टिव से। सो बहुत ही सही है यार, मतलब आई एम सो हैप्पी, लाइक सुन के मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि यार कहाँ हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सी प्रोग्रामिंग में फेल हो रहे हैं, और फिर वहाँ से कहाँ पर हम 8th सेमेस्टर तक पहुँचते पहुँचते
मतलब हमने फिफ्थ सेमेस्टर में 3 स्टार पे पहुंचे, सिक्स्थ में 4 पे पहुंच गए, सेवन्थ में 5 पे पहुंच गए और 8th में 6 पे पहुंच गए. सो मतलब अमेजिंग सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम देयर टू बेसिकली एक्चुअली बिकमिंग 6 स्टार ऑन कोच शेफ. सही है सही है, बहुत ही बढ़िया है. सो अभी भी करते हो तुम सीपी थोड़ा बहुत? हाँ अभी भी कर लेते हैं. लाइक एक तो जॉब रिलेटेड कोड स्टूडियो पे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स बिल्ड कर रहे हैं. बढ़िया बढ़िया, तो उससे रिलेटेड टच में हैं, अभी भी करते रहते हैं थोड़ा बहुत. सही है बहुत ही बढ़िया. सो मुझे एक बात बताओ कि तुमने कैसे डिसाइड किया और क्यों डिसाइड किया कि सीएन कोडिंग निंजास में काम करते हैं, कोडिंग निंजास में ज्वाइन करते हैं एंड कोड स्टूडियो टीम में कंटेंट साइड पे काम करना है. लाइक ये क्या थॉट प्रोसेस है इसके अराउंड और कैसे डिसाइड किया तुमने? इसके पीछे लाइक एक तो ऑब्वियसली सीपी में इंटरेस्ट था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट था काफ़ी सारा. तो उसमें लगा कि कुछ ऐसा अगर चांस मिले कि जो कोडिंग वाली कम्युनिटी है अपनी, उस पर कुछ इफेक्ट डाल पाएँ सही से, कुछ ऐसा सा रिलेट करने के लिए. तो मेरे को कोडिंग निंजास काफ़ी सही लगता था इस चीज़ में. एंड मैं ऑब्वियसली एक्सप्लोर कर भी चुका था कोडिंग निंजास में काफ़ी कुछ. तो वहीं से डिसाइड करा कि ये सही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, तो इसमें मतलब वही इसमें फिर कंटिन्यू करने का सोचा, डिसाइड कर लिया. सही है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया. सही है यार, मुझे बहुत मजा आया. आई एम श्योर जिन लोगों ने भी देखा है उनको समझ में आएगा कि यार पहले से आने से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम कितना टाइम दे रहे हो, तुम कितना टाइम और एफर्ट लगा रहे हो किसी चीज के अंदर. एंड जैसे अब पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में हमने फाइट मारी बट सही डायरेक्शन नहीं थी, बट फोर्थ सेमेस्टर के बाद हमें सही डायरेक्शन भी मिल गई. तो राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन बेसिकली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ वैल्यू. सही है, आई एम सुपर सुपर हैप्पी एंड सुपर प्राउड ऑफ व्हाट राहुल हैज डन. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड लगे रहो, करते रहो अच्छे से काम एंड आई एम श्योर तू बाकी लोगों के लिए जो कोड स्टूडियो में बिल्ड कर रहे हैं वो तो है ही ऑब्वियसली, कम्युनिटी के लिए बहुत बढ़िया एंड अदरवाइज भी आई थिंक ये वीडियो से भी बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और ढंग से करेंगे जो भी कर रहे हैं और अच्छे से सीखेंगे ताकि अच्छी जॉब निकाल पाए और अच्छे से काम कर पाए फ्यूचर में. राइट, श्योर श्योर, चलो ग्रेट, जी, थैंक यू राहुल, थैंक थैंक यू, यू सो मच. थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी.